प्लीज कम ऑन, कौन है मेरी गाड़ी के आगे? अरे बहन जी ये क्या है? अरे रूबी तू अनामिका तू बहुत खुश है तुम मेरे से और हमें बहुत दुख पर क्यों टीचर जी तू यहाँ इस हालत में क्या हो गया ठीक तो लग रहे कपड़े काम अरे कहाँ देखो तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो प्यारे हैं हम दोनों छू मत हमें गंदे हाथों से मैले कुचेले क्या यहाँ झाड़ू पोछा करती है क्या किसी के घर में नहीं अरे भीख मांगने आ गई हमारे पास हाँ। या तो गाड़ी चुरा रही होगी गलत नहीं हम सही समझ रहे हैं पता चल रहा है कि क्या करा होगा यहाँ पे आके दिल्ली में अरे हम लखनऊ से एक साथ आए थे और ये देख कहाँ से कहाँ रहेगी तेरी क्या क्या कर रहे हैं पागल सी गाड़ी खराब कर दी तुम और बेसी और करा दी हमारी दोस्ती हमारी पहली और आखिरी गलती थी कि तुझसे दोस्ती करी हमने और शर्म हमारी तेरे साथ बैठ के पढ़ाई करी थी तेरे असाइनमेंट देखे थे और क्या इतनी टॉपर बनती थी मैं इतनी पढ़ाई करूंगी रूबी में तो आगे जाके कुछ बड़ा अच्छा नाम रोशन करूंगी ये करती हूँ मुझे तेरी शक्ल देख कर इसीलिए मार रही हूँ समझी गुस्सा ही आएगा ना हम करते हैं अगर तेरे जैसे दोस्त हो तो हमारे दोस्त नहीं औकात अनुसार बोल रूबी में तो समझ में आ रहे हैं घमंड आ गया है घमंड है क्योंकि हमने कमाए घमंड मतलब ये कितनी अच्छी जॉब करते हैं 30,000 सैलरी है और ये आईफोन देख रही और वो कौन से जमाने में जीरे डब्बा जैसा फोन लेकर 8,000 का डब्बा लग रहा है तुम्हें 8,000 कितनी तरक्की कर रही है ये देख ना हमने गाँव में खेत बेच के गाड़ी भी ले ली खेत बेच कर गाड़ी ली किस्तों में फोन लिया तेरी तरह नहीं 8,000 का डब्बा लेके घूम रहे हैं और तो काम तो चल रहा है ना मेरा अच्छा काम चल रहा है जिंदा हो सही है लोग तो जिंदा रहने के लिए कीड़े मकोड़े आगे बड़ी सोच रखो बड़ी सोच दिखावा चलता है इस दिल्ली में दिखावा अगर हमने अच्छे कपड़े पहने लोगों को नहीं फर्क पड़ता हमारी जेब में पैसे हो ना हो समझे यहाँ लोग देख के जज करते जैसे गौर हो तो हमारे पास कुछ हो ही ना तो हम दिखावा करके क्या करेंगे तो मर जाओ यार देखो देश की आबादी वैसे ही बहुत बड़ी जा रही है तुम जैसे नमूनों को देख देख के तुम जैसे नमूने मर क्यों नहीं जाते ऐसा कर आगे आ जा चढ़ा ही जाते टायर चढ़ा दो तेरे ऊपर चढ़ा दो क्या कर रही हो बताओ मैं चिल्ला चिल्ला के मेरा नाम लोगों को और तू तो नाम ले ही मत इसका नाम जो है वही तो लूंगी मैं अरे दिक्कत हमें तुझसे तुझे नहीं रूबी को तो समझ में आ रहा है कि वो पहले से था उसमें घमंड पर तुम में कब से आ गया पैसा हम दोनों ने कमाया तो घमंड हम दोनों के अंदर होगा इसकी तरह बड़ी क्या करिए इसकी तरह बड़ी क्या करिए मेरे बॉयफ्रेंड को पटाना चाहती है क्या हाँ नहीं रूबी मैं क्यों चाहूंगी ऐसा और तुझसे पटेगा भी नहीं समझ आ गई जा गाँव में वही कोई गवार सा देख के शादी कर ले वही ओपले था ऐसे कंडे करती थी ना वही सही लगता था मैं यहाँ गाँव जाने के लिए नहीं आई हूँ तो क्या करना है यहाँ झाड़ू पोछा करने के यहाँ पर रहने की भी नहीं जरूरत है तुम जैसे लोग यहाँ करोगे भी क्या लोगों के घरों में काम करोगी हमारे घर में काम की जरूरत है एक काम करना कहीं और जाके किसी और काम करने से बेटर है हमारे घर कर ले अच्छे पैसे भी दे देंगे ढंग के कपड़े भी पहना देंगे और शायद हमारी दोस्ती में थोड़ी सी दया आ जाएगी ना तो तुझे अपने साथ में भी रख लेगा एक आधी फोटो वोटो लगा के दिखा देगा तुम्हारी दोस्ती कहीं वैसे भी हमारा बाथरूम बहुत गंदा होता है तो तुम साफ कर लिया करो कैसी बात कर रहे हो तुम लोग हमारे ऑफिस के बॉस भी बोल रहे थे बाथरूम में सफाई क्लीनर की जरूरत है तुम आज से ज्वाइनिंग पक्की हमारा ही डिपार्टमेंट है गाँव से आई कुछ तो बदल जाती कुछ तो बदल जाती यहाँ से किस तरीके की चैन चाहिए पतली सी सोने की समझ आ रही मेरी चैन ये चुरा लेगी रूबी उसी चोर लग रही है ये इसलिए थी क्या तुम दोनों को बोला क्यों जाऊंगी तुम्हारी गाड़ी का हेडलाइट चुरा रही थी हाँ कुछ हो तो नहीं क्या गाड़ी को मेरे कुछ खराब तो नहीं कर दिया कुछ खराब तो नहीं कर दिया पता तेरे पार्टनर किधर है पार्टनर कितने टीम बना क्यों रहे तू खुशी ना हमारी बर्बादी है तुझे देखकर हमें तो शर्म आ रही है तुझे देखकर तू हमारे साथ पढ़ती थी हमारे साथ खाती उठती थी एक टाइम पे और वही रह गई है कुछ आगे नहीं बढ़ पाई अरे हाँ आगे तो बढ़ी है मैं भूल कैसे गई यूपी बिहार से तू दिल्ली आ गई कितना आगे बढ़ गई जनरल डब्बे में आई ना जनरल डब्बे में ही आया था तो बड़े आराम से आए जनरल डब्बे में बेकार लोग जाते हैं हम फ्लाइट से जाते आते हैं अजीब रही की कभी देखा भी नहीं हमको तो एयरपोर्ट पे भी नहीं देखे बात ही बुला रही और
आगे बढ़े मेहनत करिए, तेरी तरह नहीं, कम पढ़कर भी तरक्की ज्यादा। तूने ज्यादा पढ़ के भी क्या कर लिया अपनी जिंदगी में? बहुत अच्छा लगा, तू तो इतनी तरक्की कर रही है, बाल भी प्यारे लग रहे हैं। चुप कर, बाल प्यारे लग रहे हैं। मेरी बात तो सुनो। क्या बात लगा रही है? क्या बात? गाड़ी को लाइट तो आ रही है। ठीक है, वेट कर रहा हूं। मैम मतलब? और क्या कह रही थी तुम? मैं गांव की गवार, मुझे किसी चीज का सेंस नहीं है। यूपी बिहार शर्म आती है तुम दोनों को, है ना? तुम दोनों को शर्म आती है ना कि तुम दोनों उत्तर प्रदेश से हो? मुझे गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और क्या कह रही थी तुम कि तुम्हें वो शर्म आती है गांव के लोगों से? क्या बोलोगे? तुम्हारे पास है कुछ बोलने के लिए? और क्या कह रहे थे तुम? मैं क्लास में टॉपर थी, मैं थी क्लास में टॉपर, आज भी टॉपर हूँ। और क्या कह रही थी तुम? ये फोन किस्तों पे लिए, और ये गाड़ी क्या किया था तुमने? खेत बेच के लिए। और मैंने जो किया है ना, खुद के दम पे किया है। मैं कौन हूँ? मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरी पोस्टिंग कुछ ही दिन पहले यहाँ पे हुई थी। और क्या कहती है, गाड़ी किस्तों पे? मेरे पास ऐसी कई गाड़ियाँ मुझे सर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है, और मेरा खुद का फ्लैट भी है। मैं तुम लोगों की तरह किस्तों पे नहीं जी रही हूँ। तुमने बताया नहीं, तुम्हारी स्कूल तुमने मुझे कुछ बोलने दिया? मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, मुझे सिंपल लाइफ बहुत अच्छी लगती है। इतना भी क्या सिंपल रहना, अब आजकल के युवा पीढ़ी को देखो, सब लोग कितने आगे बढ़ चुके। मैं ऐसे ठीक हूँ, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है। क्या कहती है, साड़ी बहन जी टाइप है ना ये साड़ी, हमारे इंडिया का कल्चर है और मैं यही फॉलो कर रही हूँ, इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। दो अक्षर पढ़ लिए, थोड़े वेस्टर्न ड्रेस के अपना लिए, तुम दोनों समझ क्या लिए खुद को? शर्म आ रही थी ना मुझे अपना दोस्त बोलते हुए। शर्म मुझे आ रही कि ऐसे छोटी सोच रख रखी है तुम दोनों ने? मुझे दया आ रही है तुम दोनों की सोच पे। तुम लोग कल भी बैक बेंचर थे, आज भी बैक बेंचर ही हो। तुम दोनों अपनी सॉरी अपने पास रखो और निकलो यहाँ से। मैम चले।